गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों हम लोग अपनी पिछले क्लास में चैप्टर 15 राजनीति सिद्धांत देख रहे थे। आज इस संदर्भ में हम लोग राजनीतिक सिद्धांत की विशेषताओं अथवा स्वरूप को देखेंगे। राजनीतिक सिद्धांत की निम्नलिखित विशेषताओं से उसके स्वरूप स्पष्ट हैं। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट है, राजनीति के आधुनिक विद्वान जैसे मैक्स वेबर, हार्ट डहल, डेविड स्टन तथा आमंड आदि ने राजनीति की वास्तविकता को समझने के लिए व्यक्ति के व्यवहार को समझने पर अधिक बल दिया है, क्योंकि व्यक्ति के व्यवहार को समझने या उसको समझे बिना राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषणात्मक अध्ययन नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार राजनीति सिद्धांत राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषणात्मक अध्ययन है। दूसरी बात, इसमें राजनीतिक सिद्धांतकारों ने राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन नैतिक पक्ष, वैज्ञानिक पक्ष, समाज वैज्ञानिक पक्ष, कानूनी पक्ष, काल्पनिक पक्ष के आधार पर अलग अलग किया है। इसकी तीसरी विशेषताएं हैं कि आधुनिक राजनीतिक विचारकों ने राजनीति शास्त्र के अध्ययन में उन पद्धतियों को शामिल किया है जो पहले अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र में प्रयोग में लाई जाती थी। राजनीति सिद्धांत में अंतर्राष्ट्रीय कानून, विश्व व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन भी शामिल किए जाने लगे हैं, क्योंकि ये सभी राज्य के कार्यक्षेत्र और उनकी प्रभुसत्ता को प्रभावित करते हैं और आपस में एक दूसरे से संबंधित भी हैं। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के सही अध्ययन के लिए या उनको समझने के लिए वहाँ की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक व्यवस्था का अध्ययन आवश्यक है। राजनीतिक सिद्धांत न केवल सामाजिक एवं राजनीतिक वास्तविकताओं की ही व्याख्या करता है, बल्कि समाज में परिवर्तन के साधन और उनके मार्ग प्रशस्त करने की खोज भी करता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, राजनीतिक सिद्धांत में राजनीतिक चिंतकों द्वारा भविष्यवाणी भी की जाती रही है। तो बच्चों, यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि राजनीति सिद्धांत की विशेषताएं, यहाँ पर हम इसके अंतर्गत कुछ और भी बातों को देखेंगे कि राजनीति सिद्धांत के अंतर्गत हम किन बातों को पढ़ पाते हैं, किन बातों को देख पाते हैं या किन नीति और विचारों को व्यवस्थित रूप दे पाते हैं। इसके अंतर्गत राजनीति सिद्धांत उन विचारों और नीतियों के व्यवस्थित रूप को हमें दिखाता है जिन्हें राज्य, सरकार, संविधान, समाज ने अपनाया है। लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता आदि ऐसे ही आदर्श सिद्धांत हैं जिन्होंने
जनता को प्रोत्साहित करने के साथ साथ नीतियों को निर्देशित किया है। राजनीतिक सिद्धांत में हमें किन विषयों को देखना है या किन बातों को जानने के लिए सिद्धांत जरूरी है, या राजनीतिक सिद्धांत में हम किन विषयों का अध्ययन करते हैं या किन बातों को जानना चाहते हैं, इसके संबंध में हम यहाँ पर कुछ संक्षेप में देखेंगे। इसके अंतर्गत इसमें पहला पॉइंट है स्टडी ऑफ स्टेट्स, राज्य का अध्ययन। राजनीति शास्त्र के अंतर्गत राजनीति सिद्धांत में हम सबसे पहले अध्ययन करते हैं राज्य का, और राजनीति सिद्धांत में हम राज्य की उत्पत्ति, विकास, प्रकृति आदि से संबंधित बातों को जान पाते हैं। राज्य क्या था, क्या है, राज्य को कैसा होना चाहिए आदि के संबंध में विभिन्न विचारकों या विभिन्न विचारकों के विचारों का हम इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। बच्चों, इसको हम फिर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके।